आज हमारे साथ है सुखप्रीत बंसल जी, प्रकाश एवं विद्युत समिति की बी की चेयरमैन। मैम, आप हमें ये बताएं कि जो आपने साधन सभा की मीटिंग हुई उसमें जो कर्मचारी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, जो मैंने आरोप लगाए वो मैं उनको पूरी जिम्मेवारी से स्वीकार करती हूँ। भ्रष्टाचार का आलम नगर निगम में ये है कि काम तो कोई करना ही नहीं चाह रहा, केवल सबको घर बैठे कमाइयाँ चाहिए और कमाई भी इनको करोड़ों में चाहिए। आज जो मुद्दा था वो मैंने आज पहली बार नहीं उठाया, इससे पहले मैं कई बार उठा चुकी हूँ। पिछली विधान जब हमारी साधारण सभा की बैठक हुई थी तकरीबन 14 महीने पहले, तब भी मैंने ये सारे दस्तावेज बोर्ड के सामने रखे थे, किंतु मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार जब हमारी साधारण सभा की बैठक हुई, जब ये सब मामला आया, तब महापौर ने इस पूरे मामले में MINIT जांच गठित करने का आदेश दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता की हक हलाल की कमाई जो हम इन कुछ चंद मुनाफाखोरों को लुटा रहे हैं, उसके लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो कोई MINIT जांच उसके खिलाफ़ बैठी, ना जो हाईग्लॉस कंपनी है उसके खिलाफ़ बैठी, तो चहु और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसीलिए मैंने आज भी पूरे दस्तावेजों के साथ कागज़ उठाए दिखाए उनको भी, इस तरह से नहीं चलेगा, ये जंगल राज नहीं चलेगा। कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार करना था कर लिया, 6 महीने बाकी है, 6 महीने बाद हम इन अधिकारियों को भी जवाब देंगे, सबको खुलेआम जवाब देंगे। मैम, आप खुद इसकी समिति की चेयरमैन हैं, प्लस आपने ये बात साधारण सभा की मीटिंग में 1-2 महीने पहले भी रखी, कई पोल हैं वो गिरने की स्थिति में हैं, उन पर लाइटें नहीं लगी, उसके बाद भी महापौर तक ये बात आने के बाद भी आज तक अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये क्या मतलब? देखिए, होता क्या है कि हम जिम्मेवार हैं, हम चेयरमैन हैं, हमने पिछले साधारण सभा की बैठक में भी जब 14 महीने पहले इस बात से पूरे में अवगत कराया, महापौर ने उसी समय इन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि वो पोल पिछले 14 महीने पहले भी गिरने की अवस्था में था, पूरा गल चुका है वो लोहे का पोल। किंतु अफसोस है कि इन अधिकारियों के कानों पर अभी तक कोई जीव ही नहीं रेंगी, और जिसका आलम यह है कि आज 14 महीने बाद भी वो पोल जस का तस है। मैंने वहाँ सदन में भी यही शब्द कहे और मैं आपको भी यही कहूँगी, वो पोल भी बेशरम है जो गिरता नहीं, और हमारे अधिकारी उससे ज़्यादा बेशरम है जो बदलते नहीं। 1 साल कुछ महीने पहले एक बच्चे की डेथ भी हुई थी, पोल में करंट आने में वायर खुला था, तो आज भी कई पार्कों में वायर सही से लगी नहीं है, खुले पड़े हैं, तो आज तक भी क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? महापौर की नज़र में डिप्टी महापौर भी है, पार्षद भी है, चेयरमैन भी है, आज भी हादसों के कारण बनते जा रहे हैं ये। देखिए, इस संबंध में भी मैंने 3 महीने पहले मीटिंग लेके 3 महीने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था कि स्वयं वो फील्ड में जाएं और फील्ड में जाके इस काम को करें, पर जो काम FRT टीम का है वो तो FRT टीम ही करेगी ना, मैं और आप तो जाके अपन लाइटें ठीक नहीं कर सकते या वायर ठीक नहीं कर सकते, जब अधिकारी करना ही कुछ नहीं चाहते। मैं यही तो कह रही हूँ, आज सदन में भी मैंने इसी बात को रखा कि ये इस तरह से बैठने से नहीं चलेगा। मान लो हमने उस समय, आज से 2 साल पहले हमने एक बच्चे को खोया, 10 साल का बच्चा, हम सब भूल गए, हमारे लिए वो एक बच्चा था, लेकिन उस माँ के बारे में कभी किसी ने सोचने की कोशिश की? उस माँ की ज़िंदगी थी वो, लेकिन हमारे अधिकारियों के कान पर जूं रेंग ही नहीं रही है किसी भी तरह से, तो ये अफसोस का विषय है। हमने बात उठाई है और मैंने बड़े खुले शब्दों में उनको कहा भी है, या तो हम इसको मुझे आज ही ज्ञात हुआ ये मामला कि अभी 6 तारीख को MINIT गठित हुई है इस मामले में, अभी देखते हैं ये जाँच क्या किस और जाती है, उसके संबंध में आगे जो होगी कार्रवाई।